नहीं दिया जो पेस के रेगुलर लेक्चरर को होता है, या लेक्चरर नाम नहीं दिया। इसके बाद भी इसी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये अतिथि शिक्षक जैसा सिगू पर ढूंढा, वो भी कहीं ना कहीं दूसरा शिक्षा कर्मी ही है, क्योंकि उनकी तो शिक्षा कर्मियों का तो स्थायित्व भी था, इनका स्थायित्व भी नहीं है। मेरा कहने का आपका तात्पर्य है कि ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये पॉलिटिकल इश्यूज बनते हैं, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो या कांग्रेस की। जब भी कोई इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के पहले पॉलिटिकल पार्टीज ये घोषणा करती हैं कि हम आपको रेगुलर करेंगे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके कारण मध्य प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और कांग्रेस की सत्ता के बाद भाजपा की आई, क्या उन अतिथि शिक्षकों के कारण उन्होंने यही बयान दिया था, एक तो कर्ज माफी और अतिथि शिक्षक, क्या इस सरकार ने अतिथि शिक्षकों को आज कुछ किया है? आज भी अगर फिर अतिथि शिक्षक ही विकल्प है तो फिर यही अतिथि शिक्षक बाद में अपने नियमितीकरण की मांग करेंगे। हेलो नमस्कार, मैं समाचार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक ही दूसरा संविदा शिक्षक है। जिस तरह से संविदा शिक्षकों को नियमितीकरण किया गया, इसी तरह से अतिथि शिक्षकों को भी नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि वो भी संविदा शिक्षक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर शिक्षक नहीं वहाँ पर अतिथि शिक्षकों को रखने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और अतिथि शिक्षक ही एकमात्र विकल्प है, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और नंबर वन पे लाने के लिए। शिक्षा व्यवस्था को मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि अतिथि शिक्षक ही एकमात्र विकल्प है, इसलिए इनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए। और अतिथि शिक्षक ही संविदा शिक्षक है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ, डिबेट भी दिखाने वाला हूँ नेशनल मीडिया पर क्या कहा गया, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता और मीडिया ने क्या कहा। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। तो क्या वजह है कि आदेश में ये कहा गया कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करें, क्योंकि अतिथि शिक्षक आएंगे क्या? देखिए आसिफ जी, ये बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है जिसपे आज आपने चर्चा रखी है। देश में 2009 में मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन कानून पास किया गया था, जिसके अनुसार देश के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है कि उसको अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर पा रही है। मध्य प्रदेश में 15,000 स्कूल शिक्षा विभाग बंद करने जा रहा है, क्योंकि उन बस्तियों में आबादी कम है, बच्चे कम संख्या में आ रहे हैं, तो उन बच्चों को शिक्षा से पूरी तरह महरूम कर दिया जाए जो कम संख्या में भी आ रहे हैं, तो ये पूरी तरह कानून का हनन है। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा सरकार बनी है शिक्षा व्यवस्था लगातार गिर रही है। 15 सालों तक भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में किसी तरह की कोई भर्तियां नहीं की गई। इस तरह की अंधेरगर्दी किसी राज्य में नहीं हो सकती है, जबकि दिग्विजय सिंह जी की सरकार में 10 सालों में 50,000 से ज्यादा शिक्षा कर्मी भर्ती किए गए थे, लेकिन 15 सालों के दौरान कोई शिक्षा कर्मी, कोई शिक्षा विभाग में नियमित भर्ती नहीं हुई। 2008 के बाद केवल अतिथि शिक्षक के नाम पर एक नया पद सृजित किया गया और शिक्षकों का भी शोषण किया गया और बच्चों को भी उनके मूलभूत अधिकारों से महरूम किया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नियमों में परिवर्तन किया, हमारी सरकार में 100 घर वाले गांव में स्कूल खोले गए थे, भाजपा सरकार ने वो नियम बंद करके हजारों स्कूल बंद कर दिए। और कई ऐसे, मैं तो आपसे समाधान पूछ रहा था, आप तो बस कोसने पे आ गए। अगर ऐसा है तो फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ, दिग्विजय सिंह सरकार में जो गुरुजी बने थे, जरा उनकी तनख्वाह क्या थी बता पाएंगे आप? आपको याद है क्या तनख्वाह मिलती थी उनको? देखिए आसिफ जी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार के दौरान लगातार शिक्षा विभाग में काम किया गया। मैंने आपको बताया संविदा शिक्षक भी रखे गए, नियमित भी रखे गए और आवश्यकता अनुसार गुरुजी भी रखे गए, लेकिन 15 सालों की भाजपा सरकार ने टोटल व्यवस्था ठप कर दी। हमारी सरकार में 100 घर की आबादी पर स्कूल बनाए गए और इन्होंने स्कूलों को बंद करने की व्यवस्था कर दी। शिक्षा वो रास्ता है जिससे गरीबी से और अंधेरे से लोग बाहर निकले, वो भाजपा ने वो रास्ता बंद कर दिया है और आगे भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आप बताइए, मध्य प्रदेश में हजारों स्कूलों में टीचर नहीं है, किस तरह की व्यवस्था आप चला रहे हैं? शिक्षकों को अन्य काम दे रखे हैं, यहाँ तक कि भाजपा की राजनीतिक रैलियों में भीड़ जुटाने का दायित्व भी शिक्षकों को, आशा उषा कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई है, प्रदेश के जनता परेशान है और ये सीएम राइज स्कूल केवल एक जुमला है जब वर्तमान व्यवस्था में। तो दीजिए एक
बार पहले आप तो अभी से थोड़ा सा नकारात्मक मत रहिए सर, पहले खुल जाएं फिर देखेंगे क्या व्यवस्था है। जब वर्तमान व्यवस्था में नहीं है तो सीएम राइज हाँ उस हिसाब से ठीक है, वो वर्तमान व्यवस्था पे तो सवाल है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास अजय जी, व्यवस्था ठप है। नेहा जी आसिफ जी एक चीज और मैं, अरे अजय जी रुकिए तो सही सर, महीने के अजय जी एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, भरोसा रखिए सर दूसरी बार भी आऊंगा। ये नेहा जी मेरा एक सवाल है आपसे, मान लीजिए आधे घंटे के लिए आप तीनों मेहमान यहाँ बैठे रहे हमारे साथ और मैं यहाँ हूं ही नहीं मान लीजिए, तो क्या होगा फिर तीनों आप आपस में बात करेंगे, कोई मुद्दे की बात हो नहीं पाएगी? या मान लीजिए कि मैं सारा दिन आपको यहां बैठा के रखूं डिबेट में और मैं सवाल पूछता रहूं आप जवाब देते रहें, मैडम आप भी बोर हो जाएंगे मैं भी बोर हो जाऊंगा। तो 2000 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं, मतलब बच्चे केवल बातें करते हैं और निकल जाते हैं, और 8000 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे केवल एक ही टीचर का चेहरा देखते हैं, वही पढ़ाते हैं, वो पता नहीं पढ़ा भी पाते होंगे कि नहीं उसके बाद। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इससे जरा मुझे समझा दीजिए आप कि बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे आगे, कैसे बढ़ पाएंगे? आसिफ जी मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी, पर जिस तरीके से एक पॉलिटिकल रैली के तरह भाषण दिया अजय जी ने, कम से कम तथ्यात्मक दो तीन चीजें पूछ लीजिए उनसे। उन्हें क्या याद है कि जो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई थी उसमें शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों ने, वो इतना मजबूर हो गए थे इनके वचन पत्र के वादे पूरे कराने के लिए कि पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ था कि महिलाओं ने सर मुंडवा लिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या अजय जी ये बता सकते हैं जिन ट्रांसफर्स की अभी बात कर रहे हैं, 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में 36,000 स्कूल टीचर्स का ट्रांसफर किया गया, ट्रांसपेरेंट थी या नहीं थी? आप ही के सवाल, हाँ नहीं मैंने वो नहीं पूछा मैम कि आपके ट्रांसफर, देखिए ट्रांसफर पे तो मैंने सवाल उठाया नहीं। नेहा जी मैं तो आपसे ये भी पूछ रहा हूँ कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए वहां पर जहां शिक्षक नहीं बचे हैं, तो ठीक है ट्रांसफर तो हो गए, मानवीय अधिकार पर भी हो गए, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि तो फिर ये अतिथि शिक्षक क्यों बुलाए जा रहे हैं, और जैसे ही टीचर आ जाएंगे फिर इनका क्या होगा? देखिए इसकी व्यवस्था क्या है आसिफ जी, आप जानते हैं कि जो अतिथि शिक्षक होते हैं, सरकार ने जो आदेश निकाला था आपके पास भी आई एम श्योर वो कॉपी होगी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन जिले में जिस ग्राम में जहां पर अधिक टीचर्स हैं सबसे पहले तो जहां नहीं है वहां पर भेजा जाए, या एक शिक्षक है वहां पर भेजा जाएगा। दूसरा ये कि अगर वहां कहीं पर ऐसी स्थिति बन रही है कि अभी जब तक ये एनरोलमेंट्स नहीं होते तब तक वहां पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर दी जाए, उससे ये होगा कि बच्चों को किसी भी प्रकार से एजुकेशन से वीन नहीं रहना पड़ेगा। मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा मैडम, मैं जरा एक सवाल अजय जी से और मुझे समझ में नहीं आता, शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है तो। नेहा जी एक मिनट, सत्यप्रकाश सर अगर फिर अतिथि शिक्षक ही विकल्प है तो फिर यही अतिथि शिक्षक बाद में अपने नियमितीकरण की मांग करेंगे, और अगर अतिथि शिक्षक ही विकल्प है तो ये विकल्प बनाया क्यों गया, क्यों ना बताइए जी? आसिफ जी देखिए मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है, पहले तो मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा ये किसी भी गवर्नमेंट के एक कल्याणकारी प्रदेश या राज्य बनाने के लिए सबसे बड़े पैरामीटर्स होते हैं जिन पर सरकारों को काम करना, यानी ओवरऑल जो सरकार का उद्देश्य होता है वो वेलफेयर होता है, और ये वेलफेयर के 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। लेकिन शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसने कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ, मैं ये आज की जो गवर्नमेंट है इसकी बात नहीं, मैं दिग्विजय सिंह जी की भी बात करूंगा, जब उनकी गवर्नमेंट थी तो ये शिक्षा कर्मी व्यवस्था उस समय से लागू की। देखिए शिक्षा में ना तो छटनी होती है, क्योंकि ये कोई लाभ का विभाग नहीं है, शिक्षा से ना तो छटनी होती है ना यहां पर पैसा बचाने का साधन होता है। शिक्षा, आपने एक सवाल किया था, आपको पता है वो आप क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 को 500, दूसरे को 800 और क्लास 1 को 1000 रुपए से भर्ती की गई थी शिक्षाकर्मी की। लेकिन मैं इसमें बराबर का दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी मानता हूं, उन्होंने उनको रेगुलर किया लेकिन कभी पे स्केल नहीं दिया, जो पे स्केल रेगुलर लेक्चरर को होता है, या लेक्चरर नाम नहीं दिया। इसके बाद भी इसी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये अतिथि शिक्षक जैसा सिगुपा ढूंढा, वो भी कहीं ना कहीं दूसरा शिक्षाकर्मी ही है, क्योंकि उनकी तो शिक्षाकर्मियों का तो स्थायित्व भी था, इनका स्थायित्व भी नहीं है। मेरा कहने का आपका तात्पर्य है कि ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये पॉलिटिकल इश्यूज बनते हैं, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो या कांग्रेस की। जब भी कोई इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के पहले पॉलिटिकल पार्टीज ये घोषणा करती हैं कि हम आपको रेगुलर करेंगे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके कारण मध्य प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और कांग्रेस की सत्ता के बाद भाजपा की आई, क्या उन अतिथि शिक्षकों के कारण? उन्होंने यही बयान दिया था, एक तो कर्जमाफी और अतिथि शिक्षक, क्या इस सरकार ने अतिथि शिक्षकों को आज कुछ किया है? आज भी अतिथि शिक्षक यहाँ मांग कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ अजय सर। ये अगर 17 से 5वें नंबर पे एमपी आ गया और ऐसे स्कूलों में कुछ अगर सुधार कर दिया जाए
तो फिर पहले नंबर पे आने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपन पहले नंबर पे भी आ सकते हैं, लेकिन आए कैसे?